बहुत समय पहले किसी राज्य में 5 राजकुमारियां रहती थी। उन पांचों के पति बहुत ही नेक और दयालु थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सौतेली सास उन्हें जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पांचों राजकुमारों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उन राजकुमारियों से शादी की थी। फिर कुछ समय बाद वो पांचों राजकुमारियां गर्भवती हो जाती हैं। इस बात से उनके पति बहुत खुश होते हैं और उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन महल के सामने एक औरत पानीपुरी का ठेला लेकर आ जाती है। पानीपुरी ले लो, पानीपुरी, स्वादिष्ट पानीपुरी ले लो। पानीपुरी का नाम सुनते ही पांचों राजकुमारियों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वो देखो, हमारे महल के सामने पानीपुरी वाली आई है, चलो चलकर पानीपुरी खाते हैं। अरे अगर हमें हमारे पतियों ने देख लिया तो वो सभी हम पर गुस्सा करेंगे। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम चुपके से पानीपुरी खाकर आ जाएंगे। उसके बाद वो पांचों राजकुमारियां पानीपुरी वाली के पास पहुंच जाती हैं। कहिए आपको कैसी पानीपुरी खानी है, खट्टी मीठी या तीखी? हमें तो तीखी पानीपुरी पसंद है, हम सबको दो दो प्लेट तीखी पानीपुरी खिलाओ। उसके बाद वो औरत सभी राजकुमारियों को पानीपुरी खिलाना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक राजकुमारियों के ऊपर तेज रोशनी गिरती है और वो सभी पानीपुरी में बदल जाती हैं। उसके बाद वो औरत ठेले को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँचती है और अगले ही पल वो औरत एक जादूगरनी के रूप में बदल जाती है। फिर जादूगरनी पानीपुरी बनी पांचों राजकुमारियों के ऊपर जादुई राख डालना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो सभी राजकुमारियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। अरे ये सब क्या है, ये पानीपुरी वाली तो खतरनाक जादूगरनी निकली। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं ये सब तुम्हारी सौतेली सास के कहने पर कर रही हूँ, वो तुम पांचों को जरा भी पसंद नहीं करती और तुम्हें जान से मारना चाहती है। ये सुनकर पांचों राजकुमारियां घबरा जाती हैं। देखो इस समय हम सभी गर्भवती हैं, हम पर न सही कम से कम हमारे होने वाले बच्चों पर तो दया करो। अरे अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे रोने धोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब तुम सब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाली। उसके बाद जादूगरनी उन सभी को बांधकर एक कमरे में कैद कर देती है। दूसरी तरफ अचानक राजकुमारियों के गायब होने से उनके पति परेशान हो जाते हैं। अरे अचानक हमारी पत्नियां कहाँ चली गई? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, वो सभी हमें बिना बताए इस तरह कहीं नहीं जा सकती। मुझे नौकर ने बताया है कि दोपहर को वो सभी पानी पूरी खाने गई थी, तब से अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा तो ये बात है, हमें फौरन उन्हें ढूंढने के लिए निकलना चाहिए, इस समय वो सभी गर्भवती हैं। अगर कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो हमें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। उसके बाद वो सभी राजकुमार अपनी पत्नियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उनकी सौतेली माँ जादूगरनी के घर पहुँच जाती है। उन पांचों नालायकों ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की है, इसलिए अब तुम पांचों को मारकर मैं अपना गुस्सा शांत करूंगी। आप जानते हो कि इस समय हम गर्भवती हैं, हमें हमारे बच्चों को जन्म देने दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो हम पांचों की जान ले लेना, हमें कोई अफसोस नहीं होगा। अरे मैं तुम पांचों के साथ साथ तुम्हारे बच्चों से भी नफरत करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी जान से मारना चाहती हूँ। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम सबको आसान मौत नहीं दूंगी, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगी, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा रानी जी, इंसानों को तड़पते हुए देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। मैं तो कहती हूँ हम इन्हें मुर्गी की तरह आग में भून देते हैं, जब ये पांचों दर्द के मारे छटपटाएंगी तो नजारा बहुत ही कमाल का होगा। हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही कही। उसके बाद वो दोनों मिलकर उन पांचों राजकुमारियों को बांधकर आग के ऊपर लटका देती हैं। हे भगवान हमारी मदद कर, वरना हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी मारे जाएंगे। इस तरह वे सभी राजकुमारियां जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी अचानक उन पांचों के पति वहां आ जाते हैं। अपनी पत्नियों का ये हाल देखकर वो सभी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और बिना समय गवाए अपनी सौतेली माँ और जादूगरनी पर हमला कर देते हैं। हाय मर गई रे, मेरे बच्चों मुझे क्यों मार रहे हो, छोड़ दो मुझे। तू माँ कहलाने लायक नहीं है, तू तो एक डायन है।
इसके बाद पांचों भाई अपनी सौतेली माँ और जादूगरनी को जान से मार देते हैं। इस तरह उन दोनों दुष्ट औरतों को उनके किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद पांचों राजकुमारियाँ पांच सुंदर बेटियों को जन्म देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले किसी समुन्द्र के किनारे एक खूबसूरत महल हुआ करता था। उस महल में सात जलपरी बहनें रहती थीं। उधर महल के ऊपर एक बहुत ही चमकदार जादुई हीरा रखा हुआ था। सातों जलपरी बहनों को उसी जादुई हीरे से शक्ति मिलती थी। वो सातों बहनें बहुत दयालु थीं और अपने महल में रोज गरीब लड़कियों को बुलाकर उन्हें जादू सिखाया करती थीं। उधर पास वाले जंगल में अनामिका नाम की एक बूढ़ी जादूगरनी उन सातों जलपरी बहनों के महल पर कब्जा करना चाहती थी। फिर एक दिन उसे छत पर मौजूद जादुई हीरे का राज पता चल जाता है। अनामिका जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू पर सवार होकर जादुई हीरे को चुराने महल की छत पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहरा दे रहा उल्लू उस पर हमला कर देता है। अनामिका उल्लू का सामना नहीं कर पाती और डर के वहां से भाग निकलती है। मैं इस तरह हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस जादुई हीरे को हासिल करके उस विशाल महल पर कब्जा करके ही रहूंगी। फिर अगले दिन अनामिका जादूगरनी जादुई लड्डू खाकर अपने आप को एक जवान लड़की के रूप में बदल देती है। उसके बाद वो फटे पुराने कपड़े पहन लेती है और साथ ही अपने शरीर पर ढेर सारे नकली जख्म तैयार कर लेती है। फिर अनामिका उन सातों जलपरी बहनों के पास पहुंच जाती है। अनामिका के शरीर पर ढेर सारे जख्म देखकर उन बहनों को बड़ा ताजुब होता है। अरे तुम कौन हो और तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे लगी? क्या बताऊं दीदी, मैं एक गरीब लड़की हूँ। मैं अपने सौतेले पिता के साथ रहती थी। मेरा सौतेला पिता एक नंबर का जुआरी और शराबी है और साथ ही वो मेरी रोज पिटाई भी करता था। आज वो एक बूढ़े जादूगर से जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आई हूँ। इतना कहकर अनामिका जोर जोर से रोने का ड्रामा करने लगती है। उसकी हालत पर जलपरी बहनों को तरस आ जाता है। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे यहाँ नौकरानी का काम कर लो। हम तुम्हें हर महीने अच्छे पैसे देंगे और साथ ही तुम हमारी क्लास में पढ़ाई भी कर सकती हो। यहाँ तुम्हें तरह तरह के जादू सीखने को मिलेंगे। मुझे सहारा देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आप सभी को लंबी उम्र दे। इस तरह अनामिका की चाल कामयाब हो जाती है और वो उस दिन से महल में रहने लगती है। महल में काम करने के साथ साथ वो जलपरियों की क्लास में बैठकर जादू सीखना शुरू कर देती है। फिर एक रात जब सभी जलपरी बहनें गहरी नींद में सो रही थीं, तभी अनामिका परी उन सभी की जादुई छड़ी चुरा लेती है और उसे लेकर सीधा छत पर पहुंच जाती है। अनामिका को देखकर पहरा दे रहा उल्लू उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अनामिका जलपरी बहनों की जादुई छड़ी से उल्लू को एक पिंजरे में कैद कर देती है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, आज से ये जादुई हीरा और ये महल मेरा हुआ। इतना कहकर अनामिका उस जादुई हीरे को उठा लेती है। उसके बाद अनामिका
जलपरी बहनों के कमरे में जाकर उन्हें नींद से जगा देती है। अरे क्या हुआ अनामिका, तुम इतनी रात को हमें क्यों जगा रही हो? मैंने तुम्हारे जादुई हीरे पर कब्जा कर लिया है, अब मैं इस महल की मालकिन हूँ और तुम सब मेरी नौकरानी हो। अनामिका की बात सुनकर जलपरी बहनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो सभी अपनी जादुई छड़ी ढूंढने लगती हैं। तुम सबकी जादुई छड़ी भी मेरे कब्जे में है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद अनामिका अपने असली रूप में आ जाती है। अरे ये तो एक बूढ़ी जादूगरनी निकली, इसने बड़ी चालाकी से हम सबको बेवकूफ बनाया है, अब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह अनामिका उस महल पर कब्जा करके उन सभी बहनों को अपनी नौकरानी बना लेती है। अगले दिन जब गरीब लड़कियां वहां जादू सीखने आती हैं, तो वहां का नजारा देख उनके होश उड़ जाते हैं। सभी जलपरी बहनें महल में पोंछा लगा रही थीं। अच्छा हुआ तुम सब यहाँ आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब तो मैं तुम सबको इस महल के बाहर नहीं जाने दूंगी। इन जलपरी बहनों के साथ साथ तुम सब भी मेरी नौकरानी बनकर रहोगी। अनामिका की बात सुनकर सभी लड़कियों को गुस्सा जाता है। तूने इस महल में दाखिल होकर बहुत बड़ी भूल कर दी, अब तू नहीं बचेगी। अरे मूर्ख लड़की, ये देख मेरे पास जादुई हीरा है, इसके रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठहरो, मैं अभी तुम सबको इस जादुई हीरे का कमाल दिखाती हूँ। अनामिका उस जादुई हीरे की शक्ति उन सभी लड़कियों के ऊपर छोड़ देती है, लेकिन सभी लड़कियां बड़ी फुर्ती से अपने सामने जादुई आईना प्रकट कर लेती हैं। हीरे की शक्ति आईने से टकराकर वापस अनामिका के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से अनामिका एक पिंजरे में कैद हो जाती है। अरे नहीं, ये सभी लड़कियां तो बहुत चालाक निकली। इससे पहले कि अनामिका कुछ कर पाती, वो सभी लड़कियां जादुई तीर कमान प्रकट करके उस पर हमला कर देती हैं, और देखते ही देखते अनामिका बुरी तरह घायल हो जाती है और थोड़ी ही देर में उसके प्राण छूट जाते हैं। शाबाश, हमारा सिखाया हुआ जादू आज हमारे काम आया। तुम सबने बड़ी होशियारी से इस धोखेबाज जादूगरनी को बिल्कुल सही सजा दी है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो जलपरी बहनें फिर से अपने महल में हंसी खुशी रहने लगती हैं।